मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ द्वारा प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले में आरोपियों को ठाणे कोर्ट में सोमवार को जमानत दे दी गई है। ठाणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। हालांकि पीड़िता के वकील ने कोर्ट के सामने इन्हें बेल न दी जाए ऐसी मांग रखी थी, मगर जो धाराएं लगाई गई थी वो बेलेबल थी, इसलिए इन्हें बेल मिल गई। वहीं प्रिया सिंह की बहन ने कहा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। प्रिया सिंह की बहन ने क्या बताया है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले जमानत मिलने के बाद अश्वजीत गायकवाड़ के वकील ने क्या बताया है वो सुनेंगे। बाद में वो पुलिस कस्टडी देने के से रिजेक्ट किया, मतलब उनका एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हमने बेल की एप्लीकेशन डाल दी। उसके ऊपर पूरा हियरिंग होने के बाद में कोर्ट ने उनको 15,000 के लिए जामीन दिया है और डायरेक्शन दिया है कि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। सर, जिस तरह से आरोप लगाया, क्या पूरा मामला था थोड़ा विस्तार से बताइए, किस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था थोड़ा बता देंगे विस्तार से, क्या हुआ था पूरा मामला? सी, मैंने अभी अभी बताया आपको कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो ऐसे स्थिति में उसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना दोनों पक्ष के लिए कंप्लेनेंट। किस मामले में गिरफ्तार किया था आपसे वो पूछा, हालांकि आप उनको कोर्ट में पेश किया गया था, तो मामला क्या था ये तो बताइए सर। 11 तारीख को ये हादसा हुआ था, तो कंप्लेनेंट का जो भी FIR है उसके हिसाब से ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसको चोट लगी है और उसके हिसाब से उसने कंप्लेंट दिया है, तो उसमें तहकीकात चालू है। जैसे ही हमको इस केस के बारे में पता चला तो हमारे पक्षकार जो भी है अश्वजीत गायकवाड़, उन्होंने खुद होके कल उनके साथीदारों के साथ में पुलिस के पास सरेंडर किया और आज दोपहर में उनकी सुनवाई। कंप्लेनर जो है हाईकोर्ट जाने की बात करें कि हम हाईकोर्ट में जाएं, क्योंकि इसमें जो धाराएं लगनी चाहिए पुलिस ने नहीं लगाई हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आगे आपका क्या जो है? उसी कंप्लेनेंट के जो भी अपने अधिकार है उनके हिसाब से वो कार्रवाई करना उसको अधिकार है, वो उसके हिसाब से करेंगे, और जो हमें लगता है हमको डिफेंड करना है तो हम हमारे हिसाब से बचाव उसका करेंगे। पीड़ित का कहना है कि इसमें धारा 376 और 307 लगाना, लेकिन पुलिस ने नहीं लगाया, क्या आप इस मामले में वापस लेंगे? ऐसा मुझे उसमें कुछ, हालांकि कोर्ट में भी दलील रखी गई थी पीड़ित पक्ष द्वारा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक लड़की की कंप्लेंट है, उसमें आप थोड़ा संवेदनशील रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई 376 का एलिगेशन अभी तक ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं आया। 307 के बारे में उन्होंने ज़रूर जिक्र किया उसका, तो उसके बारे में तहकीकात चालू है। आगे जरूरत पड़ेगी तो जो अश्वजीत वगैरह ये लोग जो है पुलिस की मदद करेंगे, पुलिस का जांच करेंगे। सर, हम जिस दिन से FIR हुआ है उस दिन से हमारा मेरे पक्षकार का विचार जो भी हमने उनको बताया है, तो हमेशा पुलिस को सहकार्य करने का ही उनका ये रहा है। और जैसे ही मीडिया में इसका हाइप होना शुरू कर दिए या पुलिस को उनका अटेंडेंस चाहिए तो हम खुद होके उनको सरेंडर कर दिए, तो कॉपरेशन हमारी तरफ से पूरा रहे। वहीं प्रिया सिंह की बहन आकांक्षा सिंह ने कहा कि पुलिस से 307 लगाने की मांग की गई थी जो पुलिस ने नहीं लगाया। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। प्रिया सिंह की बहन आकांक्षा सिंह ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। नॉन अवेलेबल के तौर पे जो है सेक्शन लगाया गया था अश्वजीत गायकवाड़ के ऊपर, जिस तरीके से लगाया गया था, आज कोर्टरूम में जो है बेल अब मंजूर हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए गए जो अवेलेबल है, तो हमने जो मांग की थी 307 की वो उन्होंने लगाया ही नहीं है। बस बिकॉज आपकी पुलिस बहुत प्रेशर में है, वो दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है कि पुलिस प्रेशर में आके काम कर रही है। कि फिर इन्होंने अगर इन्हें बेल ही देने की तो ये सरेंडर क्यों किए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनका केस क्या करना चाहते हैं। आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे? अभी आगे की लड़ाई हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि 307 का केस है, क्यों वो केस को चेंज कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे, और ये हर किसी को दिख रहा है कि केस कैसे प्रेशर में लड़ा जा रहा है। जिस तरीके से, अरे प्रेम क्या कर रहा तू?